हिजबुल्ला का इसराइल पर भीषण हमला। हिजबुल्ला ने देर रात इसराइल पर दागे हैं दर्जनों रॉकेट। ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक से इसराइल में दहशत का माहौल है। इसराइल के किरियत शिमोना में भीषण बमबारी हुई। इसराइल के हाइफा में भी रॉकेट अटैक हुआ है। अटैक के बाद आसमान में तेज रोशनी दिखी है। एक के बाद एक ऐसे कई हमले किए जा रहे हैं। देखिए रात के अंधेरे में जब हमला हुआ तो आसमान में आग की चिंगारी दिखी है। जोरदार धमाका था। बारूदी बौछार आसमान में की गई है। बैक टू बैक कई रॉकेट से हमला किया गया। और वही हमले के बाद इसराइल में इमरजेंसी सायरन भी बजा है। हिजबुल्ला ने एक साथ दागे हैं कई रॉकेट। इसराइल का दावा है कि आयरन डोम ने सभी रॉकेट को नाकाम किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हिजबुल्ला ने एक साथ कई रॉकेट से हमला किया है। तो जब यमन पर हमला किया गया था इसराइल की ओर से, उसी दौरान बड़ी चुनौती हिजबुल्ला की ओर से दी गई थी। और अब हिजबुल्ला बदला भी ले रहा है। इसराइल में इस वक्त इमरजेंसी का माहौल है क्योंकि एक के बाद एक कई हमले हिजबुल्ला की ओर से किए जा रहे हैं। बीस जुलाई को यमन के अल हुदैदा में इसराइल के हमले से हूती और हिजबुल्ला बौखला गए हैं। हिजबुल्ला ने देर रात लेबनान से इसराइल पर रॉकेट से भीषण हमला किया। हिजबुल्ला ने इसे अल हुदैदा का बदला बताया है। हिजबुल्ला के हमले के बाद इसराइल का काउंटर अटैक भी हुआ है। इसराइली वायुसेना ने हिजबुल्ला के गढ़ पर किया है हमला। आयता राखशब इलाके में हवाई हमला किया गया है और हमले में हिजबुल्ला के कई ठिकाने बर्बाद हो गए। वहीं दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का हमला। लेबनान के यतेर में इजरायली सेना का हवाई हमला। खियाम और हनीन इलाके में भी एयर स्ट्राइक की गई। हमले में हिजबुल्ला को भारी नुकसान हुआ। और आइए अब आपको इस हमले की पूरी डिटेल जानकारी देते हैं। दरअसल यमन पर हमले के बाद इसराइल पर लगातार पलटवार हो रहा है। इसराइल के कई हिस्सों पर हिजबुल्ला के हमले जारी हैं और रॉकेट और आत्मघाती ड्रोन से इसराइल पर यह अटैक हुआ है। काउंटर अटैक में आईडीएफ ने लेबनान में तबाही मचाई है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के गढ़ पर एयर स्ट्राइक की गई। साथ ही आयता राखशब, येतेर, खियाम और हनीन के ये इलाके हैं जहां पर बैक टू बैक बॉम्ब से हमला किया गया। भीषण बमबारी हुई। इसराइल ये दावा कर रहा है कि हमले में हिजबुल्ला के कई सैन्य डिपो भी हमने तबाह कर दिए हैं। और वहीं इसराइल पर हूती के ड्रोन अटैक के बाद 20 जुलाई को यमन पर इसराइल के हमलों से यह तय हो गया कि अरब में महासंग्राम छिड़ने वाला है, क्योंकि यमन पर हमले के बाद से ही हिजबुल्ला बौखलाया हुआ है। हिजबुल्ला लगातार इसराइल पर हमले कर रहा है। उधर इसराइल भी लगातार लेबनान के अंदर हिजबुल्ला के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके उसके ठिकानों को तहस नहस कर रहा है। इसराइल एक साथ तीन मोर्चे पर जंग लड़ रहा है इस वक्त। एक तरफ गाजा और लेबनान, तो दूसरी तरफ हूती से। यमन पर हमले के बाद हूती ने इसराइल पर बड़े हमले का ऐलान किया। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मिडिल ईस्ट संग्राम में कई दूसरे देश भी कूद सकते हैं। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ताइवान फ्रंट की। चीन को ताइवान का सख्त संदेश। ताइवान की नौसेना ने हान कुआंग सैन्य अभ्यास शुरू किया। ताइवानी सेना ने जंगी युद्धपोत के साथ ड्रिल की है। ताइवान की ड्रिल से चीन बौखला गया है। और इधर रूस, यूक्रेन, गाजा, लेबनान, यमन के बाद ताइवान फ्रंट भी सुलगने लगा है। ऐसे में चालबाज चीन को ताइवान का जंगी संदेश मिला है। जी हां, ताइवानी नौसेना ने समंदर में युद्धाभ्यास किया है, वॉर ड्रिल की है। जी हाँ, और कहा जा रहा है कि वार्षिक हान कुआंग ड्रिल में कई घातक हथियारों से ट्रेनिंग भी दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, हान कुआंग ताइवान में सबसे बड़ा सैन्य युद्धाभ्यास हुआ है, यानी कि तैयारी पूरी की जा रही है। और ड्रिल में फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, युद्धपोत को शामिल किया गया। बिल्कुल, और ताइवानी नौसेना 1984 से हर साल ड्रिल करती है, लेकिन चूंकि इस वक्त माहौल तनावपूर्ण है तो इस ड्रिल से मैसेज भी देने की कोशिश, संदेश भी देने की कोशिश की गई है।
देखिए तो तमाम वो बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं, और अब खबर है ट्रंप पर हुए हमले से जुड़ी हुई, जिसमें 10 दिनों बाद भी पहली बार एक बड़ी बात सामने आई है। 13 जुलाई को सीक्रेट सर्विस से भारी चूक हुई है। सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर किम्बरली चिटिल ने माना है ट्रंप पर हमला दशकों में एजेंसी की सबसे बड़ी चूक है। संसद में अपनी पेशी के दौरान किम्बरली चिटिल ने यह बयान दिया है। आगे बढ़ते हैं। शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ बहुत बड़ा आसमानी षड्यंत्र किया है, लेकिन भारत के दुश्मनों के षड्यंत्र की जमीन तैयार हो पाती इससे पहले ही भारत सरकार उसका करारा जवाब देती नजर आई है। दरअसल चीन और पाकिस्तान के बीच पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स को लेकर बड़ी डील हुई है। चीन और पाकिस्तान दोनों चीन के J-31 फाइटर जेट की ताकत का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मीटिंग ने इस प्रोपेगेंडा को कैसे पंचर कर दिया है और कैसे दुनिया के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली फाइटर जेट्स की फैक्ट्री भारत में लगाने का रास्ता साफ कर दिया है, दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट। 21वीं सदी भारत की सदी। F-21 फॉर इंडिया फ्रॉम इंडिया। लॉकहीड मार्टिन की ग्लोबल वेबसाइट पर आजकल यही लिखा दिख रहा है, और पांचवी पीढ़ी के अमेरिकी लड़ाकू विमान F-21 ने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। सवाल यह है कि F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग जैसे दुनिया के सबसे आधुनिक, सबसे तेज, सबसे आक्रामक, सबसे शक्तिशाली और सबसे विध्वंसक फाइटर जेट बनाने वाली अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उसके 5th जनरेशन फाइटर जेट F-21 को फॉर इंडिया और फ्रॉम इंडिया क्यों बताया जा रहा है? इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जेम्स डी टेकलेट के साथ हुई इस मुलाकात में छिपा है। इसी मुलाकात में दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने उन हथियारों को भारत में बनाने और उनकी तकनीक तक भारत को देने की पेशकश कर दी, जिन्हें अमेरिका ने आज तक किसी को नहीं बेचा है। लॉकहीड मार्टिन ने F-21 लड़ाकू विमान, सिकोरस की नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और एंटी आर्मर हथियार को लेकर बड़ी पेशकश कर दी है। लॉकहीड मार्टिन भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने और निर्यात के लिए भारत में एक प्लांट लगाने को तैयार है। लॉकहीड मार्टिन ने F-21 के निर्माण के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के साथ एक समझौता किया है। इसके लिए लॉकहीड मार्टिन ने टाटा समूह के साथ भी साझेदारी की है और टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड का निर्माण किया है। लॉकहीड मार्टिन के बनाए हुए फाइटर जेट्स ही अमेरिका को दुनिया में सुपर पावर बनाते हैं। जिस तरह रूस की सबमरीन शक्ति का दुनिया के पास कोई जवाब नहीं, उसी तरह अमेरिका के फाइटर जेट्स दुनिया में बेजोड़ माने जाते हैं। लेकिन अब रूस और अमेरिका दोनों के सर्वश्रेष्ठ हथियार भारत की सेनाओं को सिर्फ मिल नहीं रहे हैं, उनके लिए मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड का अधिकार भी मिल रहा है। यानी अगर लॉकहीड मार्टिन के साथ पांचवी पीढ़ी के F-21 की डील डन हो गई तो अमेरिका के आधुनिक फाइटर जेट्स न सिर्फ भारत में बनेंगे बल्कि हम इन्हें बनाकर दुनिया भर के देशों को बेच भी सकेंगे। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड नीति ने शी शहबाज के षड्यंत्र को जमीन पर आने से पहले ही आसमान में ध्वस्त कर दिया है। पूरी खबर आपको बताएंगे, पहले ये समझिए कि भारत को F-21 जैसे फाइटर जेट की तुरंत जरूरत क्यों पड़ गई है। ये है चीन का फाइटर जेट J-31B। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने दावा किया था कि पाकिस्तान की वायुसेना को चीन से J-31 या FC-31 फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, बगावत पर उतारू जनता आर्मी कंटोनमेंट एरिया में आग लगा रही है, लेकिन पाकिस्तान की फौज जनता का खून चूसकर भी शाही खर्ची से नहीं चूकती। पाकिस्तान के पास अभी सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है F-16 फाइटिंग फाल्कन एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे अमेरिका की वायुसेना ने बनाया है। यह एयर सुपीरियोरिटी ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर जेट के तौर पर बनाया गया था, यानी यह हर मौसम में हर तरीके से हवाई जंग के लिए कारगर है। हालांकि अमेरिकी वायुसेना खुद F-16 का इस्तेमाल नहीं करती, वो सिर्फ दूसरे देशों को बेचने के लिए F-16 बनाती है। पाकिस्तान का हाल देखकर अमेरिका ने F-16 का रखरखाव और सर्विस बंद कर दी है, इसलिए पाकिस्तान के F-16 घातक होते हुए भी कबाड़े में बदलते जा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान ने अपने आका लाल सुल्तान से नए और पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए गुहार लगाई है। पाकिस्तान में चीन का बहुत सारा निवेश फंसा हुआ है, इसीलिए पूरी संभावना है कि चीन पाकिस्तान की सेना को काबू में रखने के लिए अपनी पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स का सौदा कर सकता है। पाकिस्तान को पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स मिले तो ये भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकते हैं, लेकिन मोदी नीति ने इस खतरे का सामना होने से पहले ही समाधान ढूंढ लिया है।